ठीक है, इसमें 1/2 रख रहा हूँ। 1 + 1 कितना आ गया, 2। 0 तो नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये 1/2 है इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इनमें वैल्यू दी हुई है, ये रख के चेक करना कि 0 है या नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में 0 निकालना है, फोर्थ क्वेश्चन में 0 निकालना। अब जिसमें 0 निकालना होता है उसके अंदर 0 के इक्वल रख देते हैं। ऐसे ये वाला पार्ट है ए एक्स, इसको हमने 0 के इक्वल रखा, x आया 0/a 0, कितना है x 0, तो x इक्वल टू 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ऐसे इस वाले में 0 फाइंड करना है सब में, तो जो भी पॉलिनोमियल है उसे 0 के इक्वल रख दिया, जो रखे माइनस डी, एक्स आ गया माइनस डी अपॉन सी। तो एक्स की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी जो है वो 0 होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, दिस वन पी एक्स क्या है हमारा, एक्स की वैल्यू कितनी है 4/5 पुट कर देंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, ये कट गया, तो 4 - 22/7 एलसीएम लिया हमने 7, 28 - 22 कितना आया हमारा 6/7। 0 नहीं आ रहा ना, हम लिख देंगे इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड कह रहा फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस ऑल टर्म्स, कि अगर मैं इसको इस पॉलिनोमियल को, इसे मैंने पी एक्स लिख लिया पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 ये पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको इन सब से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, मैं एक सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ, इसको किससे डिवाइड करें सेकेंड पार्ट में, x - 1/2 से, किससे डिवाइड करें बेटा, x - 1/2 से। तो या तो एक तरीका है कि इससे आप इसको डिवाइड करो, पर वो डिवाइड करना इतना आसान नहीं है, अभी हम बताएंगे भी नहीं। रिमाइंडर थ्योरम होती है, एक रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम होती है, क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, हम उससे करेंगे। तो तरीका क्या होता है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इन सबसे करना है, अलग अलग पार्ट में, सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट से में क्या है, x - 1/2 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे, जिससे आपको डिवाइड करना होता है उससे आप 0 के इक्वल रख दोगे। क्या बोला है मैंने, ठीक है, x - 1/2 को 0 के इक्वल रखा, x के लिए 1/2 आई, इस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे x की जगह, तो हम निकालेंगे p 1/2 यहां रखा, यह आया हमारा 1/8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3
इंटू वन का स्केयर वन, नीचे टू का स्केयर हो गया फोर, यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई करा थ्री अपॉन टू प्लस वन, वन बाय एट, थ्री बाय फोर, थ्री बाय टू प्लस वन, हमने एलसीएम लिया एट, वन आया, फोर से इसको डिवाइड करा एट को टू, सिक्स, ट्वेल्व, एट, ट्वेंटी सेवन बाय एट, ठीक है जी। तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया ट्वेंटी सेवन अपॉन एट। इसी तरीके से ये है सेकंड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, एक्स प्लस, हाँ इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम। तो फाइनली जो वैल्यू आई लास्ट में वो क्या हो गया, रिमाइंडर। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स प्लस पाई से, तो एक्स प्लस पाई को जीरो के इक्वल रखा, एक्स आ गया हमारा माइनस पाई, ये वैल्यू आप पॉलिनोमियल में रख देंगे, इस पॉलिनोमियल में, और सोल्व करके जो आएगा माइनस पाई का क्यूब थ्री इंटू पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन, इसी को लिख देंगे रिमाइंडर, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 सोल्व करने बैठोगे बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड वाले पार्ट की बात करता हूँ, हमारा एक्स है सिर्फ, एक्स इसको डिवाइड करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखा, तो एक्स की वैल्यू इस वाले पार्ट में जीरो ही आएगी, ये वैल्यू आप पॉलिनोमियल में रख देंगे, पॉलिनोमियल में पुट करा जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो प्लस वन, लास्ट में वन आया तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, वन आ गया। कोई तो डाउट किसी को, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन व्हेन एक्स क्यूब माइनस क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स ले लेते हैं, पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उससे हम जीरो के इक्वल रख देते हैं, एक्स की वैल्यू आई ए, ये वैल्यू आप पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, यहाँ रखा ए क्यूब, यहाँ रखा ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ रखा सिक्स ए हो गया माइनस ए, ये ए क्यूब भी आ गया, ए स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब आ जाएगा, सिक्स ए में से ए माइनस कर देंगे तो फाइव ए आ जाएगा, ए क्यूब कट गया तो फाइनली मेरा फाइव ए आया, तो ये हो गया रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर आया फाइव ए। है टू फाइंड द रिमाइंडर पुट डिवाइजर इक्वल्स टू जीरो, डिवाइजर वो होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे इस वाले पॉलिनोम इस वाले क्वेश्चन में सेकंड में ही ये डिविडेंड हो गया और ये डिवाइजर हो गया, आप इससे डिवाइड कर रहे हैं, उसको जीरो के इक्वल रखा, फाइंड एक्स और पुट वैल्यू ऑफ एक्स किस में, डिविडेंड में,
ठीक है, किसमें? डिविडेंड में वी गेट द रिमाइंडर, ठीक है जी। ये हो गया डिविडेंड, ये डिवाइजर, डिवाइजर को जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू निकाली, वो हमने किस में पुट करी? डिविडेंड में, और फाइनली हमें क्या मिल गया? रिमाइंडर मिल गया। क्लियर है जी? ये क्लियर है? तो जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलो, तो डिविडेंड होगा ये, और ये हो गया क्या? डिवाइजर। तो हमने इसमें भी क्या करना है? डिवाइजर को जीरो के इक्वल रखना है। यहां पे चेक करना फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर कब होता है? ध्यान रखिएगा आप, व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो देन डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो अगर डिवाइजर को आपको क्या, आपको ये चेक करना है कि ये जो है आपका डिवाइजर, इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करेंगे जो यहां बताया है। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर होगा। तो इसमें डिवाइजर क्या है हमारा? वो ये है, हमें इससे पुट करा बेटा जीरो के इक्वल, सेवन उधर गया, माइनस का सेवन आ गया, एक्स आ गया माइनस सेवन बाय थ्री, और इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल हमारा क्या है? थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, इसमें पुट करेंगे इसमें पुट करा माइनस सेवन का क्यूब हो गया 343, माइनस में नीचे थ्री का क्यूब है, कितना होता है थ्री का क्यूब? 27, इधर से इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस का 49 बाय थ्री आया, माइनस 343 अपॉन 9, माइनस 49 अपॉन 3, 9 हमने एलसीएम लिया, माइनस 343, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वन फोर्टी सेवन कितना आया हमारा सोल्व करके, ये 490/9। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा इसमें? माइनस 490/9। मैंने कहा था फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर कितना आना चाहिए हमारा? जीरो। तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है, डिवाइजर जो है, सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है ये? अब है जी नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें भी सब कुछ लगभग ऐसे ही करना है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्स प्लस वन फैक्टर ऑफ, इन सब में से किस किस का फैक्टर है एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन क्या होगा हमारा फिलहाल? डिविडेंड या डिवाइजर? डिवाइजर, ठीक है। तो हम जो डिवाइजर होता है हम उसे क्या करते हैं? जीरो के इक्वल रखते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है।
और ये वैल्यू आप रखेंगे पॉलिनोमियल में। अब क्योंकि हमारे पास चार चार पॉलिनोमियल तो चारों में रख के देखना है, मैं ये वाला पार्ट बता रहा हूँ, फोर्थ पार्ट। एक्स की जगह माइनस वन रखा, ठीक है। माइनस वन का होल क्यूब क्या होगा बेटा, माइनस वन होगा, ये माइनस हमारा ऐसे है। माइनस वन का स्क्वेयर क्या होता है, प्लस का वन होता है, लेकिन जो बाहर माइनस है वो माइनस ऐसे ही रहना है। इस वाले माइनस वन की बात करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा वन, और वन से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टू प्लस रूट टू ऐसे ही आ जाएगा और प्लस रूट टू। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? देखो जी, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू आ गया, प्लस रूट प्लस टू, रूट टू और रूट टू यहाँ दोनों प्लस हो रहे हैं तो रूट टू प्लस रूट टू कितना होगा, टू रूट टू। ये कट गया हमारा, आया टू रूट टू जीरो, ये हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आया, टू रूट टू। रिमाइंडर जीरो आता है तो फैक्टर होता है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता है, यही बताया मैंने। तो फिलहाल एक्स प्लस वन जो है इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो हम कह देते जी फैक्टर है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसे भी देख लीजिए एक बार। सेकंड में क्या कहा है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इन बीच ऑफ द केस, इन बीच ऑफ द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। तो जी एक्स हमारा क्या होगा, डिविडेंड या डिवाइजर, डिवाइजर, क्योंकि जी एक्स फैक्टर दिखाना है पी एक्स का, ठीक है। तो जो डिवाइजर होता है, मैंने क्या कहा था, डिवाइजर जो होता है उससे हम जीरो के एक्स को लगते हैं। तो जी एक्स को, जी एक्स जो है मेरा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जी एक्स हमारा क्या है, एक्स प्लस वन जो कि डिवाइजर है उससे हम जीरो के एक को रख देंगे और एक्स की वैल्यू माइनस वन रख निकालेंगे। ये वैल्यू आप पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये बताया मैंने। तो इसको सोल्व करा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन हो गया, माइनस वन का स्क्वेयर, माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन होगा। ये ब्रैकेट सोल्व करा, मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू, और ये माइनस वन, वन से वन कर दिया। इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का टू आया और प्लस का टू आया, कट के फाइनल जीरो आ गया। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है, इसका मतलब जी एक्स जो है फैक्टर होगा किसका, पी एक्स का। कोई डाउट इसमें? थर्ड वाला क्वेश्चन और बता रहा हूँ, लास्ट, यहीं तक के करने, उसका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है कि x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स प्लस वन पी एक्स का फैक्टर है, ठीक है।
यहां पे दिया हुआ है x प्लस वन पी एक्स का क्या है, पी एक्स का क्या है बेटा, x प्लस वन पी एक्स का फैक्टर है, इसका मतलब सॉरी x माइनस वन पी एक्स का क्या है फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स माइनस वन पी एक्स का फैक्टर दिया हुआ है पहले से ही आपको। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, डिवाइजर को जीरो के इक्वल रखते हैं। डिवाइजर क्या है इस वाले पार्ट में, ये डिवाइजर होगी, तो एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू आई वन। मैं एक पार्ट बता रहा हूं, मैं ये वाला पार्ट बता रहा हूं, पी एक्स लिखा आपने, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं बेटा आप, ये वैल्यू जो आई क्या नाम है डिवाइजर से, उसको हम इसमें पुट कर देते हैं, के वन का स्केयर वन रूट टू इंटू वन रूट टू प्लस वन, के को वन से मल्टीप्लाई करेंगे के माइनस रूट टू प्लस वन, ये हमारा क्या आता है बेटा, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, ठीक है, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट, ये रिमाइंडर आया क्योंकि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे, रिमाइंडर को जीरो के इक्वल कर देंगे, क्योंकि पहले से ही बोला हुआ है कि ये जो है एक्स माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है, इसका मतलब जो भी रिमाइंडर होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो रिमाइंडर आया ये जो कि क्या होना चाहिए, जीरो। अब यहां से k की वैल्यू निकाल लो, ये उधर चला गया और वन उधर चला गया, तो k आएगा कितना, रूट टू माइनस का उधर आके प्लस का रूट टू हो जाएगा, और वन जो है प्लस का उधर आके माइनस वन, तो ये आई हमारी k की वैल्यू। कोई डाउट, नोट कर लो, 2.3 कंप्लीट करनी है और 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक के सारे पार्ट करने हैं, ये होमवर्क है आपका, पहले ऊपर का नोट कर